हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यदि लाइफ। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो गाइस, आज एक बहुत ही तगड़ा दिन है, क्योंकि वो देखिए सामने पूरे पहाड़ बर्फ से लद गए हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं स्नो ही स्नो दिख रही है आपको। ओ माय गॉड, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। अरे बाप रे, काफी ज्यादा स्नो है। गाइज, मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ अब स्नो की तलाश में। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे घर के पास तो बर्फ है नहीं, तो थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं विंटर वंडरलैंड। गाइज, तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखिए, यहाँ तक अभी हम ड्राइव करके आए हैं। ये है संधी विलेज। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ और वहाँ वो टावर दिख रहे हैं आपको पीछे, उनके पीछे जाना है हमें संधी विलेज, सॉरी माणी विलेज की तरफ। तो गाइस, अभी हम संधी से माणी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे संधी में हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया। और अभी देखिए ये रोड है, ऐसी ऐसी यहाँ पे बर्फ है और सामने देखिए आप वो टिकरी धार दिख रही है, क्या सुंदर नज़ारा है। और अभी माणी की तरफ अभी हम जा रहे हैं, आगे है माणी विलेज। तो वहाँ पे जाके आप देख रहे हैं देवदार के पेड़ है वहाँ पे, तो वो हम शूट करेंगे, आपको भी दिखाते हैं विंटर वंडरलैंड। वो देखिए ये जो पहाड़ है द्वाट महादेव का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है देवदार के पेड़ों पे। और अभी देखिए अभी हम ये रोड क्रॉस करके लगभग 1 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं। गाइस, ये देखिए हम पहुंच गए हैं माणी विलेज में। तो 2 किलोमीटर की हमने अभी हाइक की है और व्यू चेक कीजिए आप। ये पीछे आप देख रहे हैं सिकरी धार माउंटेन रेंज है, लाइमस्टोन की सबसे बड़ी चंबा में। और ये है सारा माणी विलेज और लदे हुए हैं सारे देवदार के पेड़ भी। और ये छोटा सा हिल स्टेशन काफ़ी सुंदर लगता है मुझे। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है विंटर वंडरलैंड। और मेरे कैमरा की बैटरी लगभग अब ख़त्म हो गई है क्योंकि ठंड से आपको पता है बैटरी काफ़ी ज़्यादा जल्दी डाई होती है, तो एक्स्ट्रा बैटरी है नहीं। तो अभी हमने जो भी फ़ोटो शूट करने थे वो हमने कर लिए हैं और अब इस विंटर वंडरलैंड से हम वापस घर की तरफ चलेंगे। ये देखिए लगभग आधा फीट तक स्नो है यहाँ पे, और वो देखिए वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ पे जितिन आग सेक रहा है बैठ के क्योंकि उसने ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और ये सारा माणी विलेज है, काफ़ी सुंदर जगह है, मेरी तो ये फेवरेट जगह है चंबा में। और यहाँ से ऊपर है द्वाट महादेव। तो अभी तो जस्ट हम ऐसे ही थोड़ा स्नोफॉल देखने आए थे क्योंकि हफ्ता भर से लगभग बारिश लगी हुई थी और अभी जाके रुकी थी, तो चलो थोड़ा सा ऐसे हम आउटिंग कर रहे थे। तो गाइस, अभी मैं वापस जा रहा था जैसे ही वहाँ से घर, तो रास्ते में बड़े ट्रैकर टीम मिल गई और आप बोल रही है कि भाई हमें भी बर्फ़ देखने जाना है। तो वापस से फिर से हम बर्फ़ की वादियों में जा रहे हैं। ये देखिए पिंटू भाई अपने जी जी, तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। और गाड़ी में इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है, देखिए क्या बात है। और अभी अब चौथे बंदे अपने टीम के उनको लेने जा रहे हैं अभी, और फिर सीधे चलेंगे फिर से बर्फ की वादियों में। क्या बात, ये चौथे बंदे हमारे आगे, अब चौथा पाएंगे हम इकट्ठे मिलके। क्या बात, हाँ बाइक लगाई दियो सर। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे विंटर वंडरलैंड पे एंजॉय हो रहा है और बच्चे भी डांस कर रहे हैं। कदी पाए तू गई कदी लाए ना की।
तो गाइस अभी हमारी मीटिंग हो गई है, हमने अपना नया ट्रैक का जो है प्लान रूट डिसाइड कर लिया है। वो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पे हम जाएंगे। तो पूरा ब्रीफिंग हो गई है टीम की और टीम रेडी है जाने के लिए अगले ट्रैक पे। टीम तैयार है बड़े ट्रैक कर। तो चलिए अब हम वापस जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।